What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today. So guys, आज मैं आपको Sony Alpha कैमरा से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपका बहुत समय बचा सकते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि ये सेटिंग इस कैमरा में थी और मेरे को पता ही नहीं था। अब इस वीडियो के लिए मैं अपना A6400 यूज कर रहा हूँ। मोस्टली Sony Alpha के कैमरों में कुछ सेटिंग्स कॉमन होती है, लगभग 95% कॉमन होती है, लेकिन 5% ऐसी सेटिंग्स भी होती है जो हो सकता है कि आपके मॉडल में ना हो। मेजर जो भी सेटिंग बता रहा हूँ वो आपके सारे कैमरा मॉडल में सपोर्ट करता होगा। सबसे पहले सेटिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है रिकॉल कस्टम होल्ड। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90-95% लोगों को पता नहीं होगा कि ये सेटिंग किस लिए यूज होती है और उसका क्या काम है, लेकिन ये बहुत मजेदार सेटिंग है। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आप एक वेडिंग में कैंडिड शूट कर रहे हैं और सडनली आपके पास एक 5-7 लोगों का ग्रुप आ जाता है और जो बोलते हैं भैया हमारी एक रेगुलर ग्रुप फोटो खींच दो। तब आप क्या करेंगे, आप पहले अपने कैमरा में कैंडिड सेटिंग हटा के एक रेगुलर फोटो की सेटिंग बनाएंगे जिसमें आप ग्रुप शॉट ले सके, उसके बाद आप वो फोटो लेंगे और जब वो लोग चले जाएंगे तो आप वापस से कैंडिड वाली सेटिंग डायल करेंगे और अपना फोटो लेना शुरू करेंगे। कितना ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। वहीं पे ये सेटिंग क्या करती है कि आप एक बटन दबाएंगे और आपकी कैंडिड से रेगुलर सेटिंग बन जाएगी और जैसे आप बटन छोड़ेंगे वापस से वो कैंडिड सेटिंग बन जाएगी। अब इस चीज का सेटअप बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो दोस्तों, इस फीचर को इनेबल करने के लिए हम कस्टम ऑपरेशंस 1 में जाएंगे, सेकंड कैटेगरी के 8वें पेज में, और यहाँ पे आप एक बटन चुन लेंगे, शॉर्टकट बटन जिसमें आप इसको लगाना चाहें। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ये बटन आपको फोटो खींचते टाइम दबा के रखना होगा, तो ढंग का बटन चुनना होगा अपने को। मैं ये सेकंड वाला बटन चुनता हूँ। अब यहाँ पे कस्टम होल्ड 1, 2, 3 तीन आते हैं हमारे पास रिकॉल कस्टम होल्ड, तो इसमें से एक चुन लीजिए, मैं फर्स्ट वाला चुन लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सारी सेटिंग दिखा रहा है। इसमें आपको अपनी रेगुलर फोटोग्राफी की सेटिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे डिटेल में जाएगा, जैसे मेरे को शटर स्पीड 160 चाहिए तो मैं वो डालूँगा, और मेरे को ISO जो रखना है वो रख लूँगा, फोकस का जो एरिया है इसको मैं सेंटर से हटा के वाइड, जो जो आप करना चाहें वो कर लेंगे। और एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर आपको नीचे आकर रजिस्टर वहाँ जाके दबा लेना है। दैट्स इट दोस्तों। अब जब भी आप को एक मोड से दूसरे मोड में आना हो, आपको बस ये जो आपने शॉर्टकट बटन असाइन करा था उसको दबाएंगे तो देखिए सारी सेटिंग चेंज हो गई। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वापस से वो मेरी कैंडिड सेटिंग पे आ गया, जैसे ही मैंने इसको दबाया वापस से रेगुलर सेटिंग पे आ गया। सिंपल। अगला जो है वो फोटो रेटिंग ऑन कस्टम बटन। अब ये सुनने में बहुत ही लेंडी सा लग रहा है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जो हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं या फिर ई कॉमर्स फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। इसमें आप कैमरा के अंदर फोटो को चुन के उसको इन कैमरा ही रेटिंग दे सकते हैं, बेस्ट 5-star, 3-star, 4-star, और वो रेटिंग आपकी लाइट रूम में भी दिखाई देगी। इसके लिए आपको कस्टम की सेटिंग्स जो कि सेकेंड कैटेगरी के 8वें पेज में होती है, यहाँ पे आपको एक कस्टम की प्ले वाला ऑप्शन दिखेगा जिसमें प्ले का बटन है, उसको चुनेंगे और फिर उसके बाद एक मनचाहा अपना कस्टम की चुन लीजिए और अंदर जाके रेटिंग फंक्शन रेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप देखेगा कि आप 1-star, 2-star, 3-star, अगर आप इन सारों को चुनते हैं तो आप इस बटन को जितनी बार दबाएंगे उतना स्टार बढ़ता चला जाएगा फोटो में। तो अगर आपको किसी फोटो को 1-star रेटिंग देनी है तो उसमें एक बार बटन दबाइए, किसी फोटो को 3-star रेटिंग देनी है तो उसमें आप 3 बार बटन दबाइए। मैंने अपने केस में सारे डिसलेक्ट करके सिर्फ 5-star चुन रखा है। इससे क्या होता है, मेरे को जैसे ही लगता है कि मैंने कोई बहुत ज़बरदस्त फोटो ले लिया, मैं सीधे एक बार दबाता हूँ और उसको 5-star रेटिंग मिल जाती है। एक तरह से ये फेवरेट ऑप्शन हो गया मेरी फोटो का। दैट्स इट। तो अब अगर मेरा क्लाइंट मेरे को बोलता है कि भाई आज के शूट में से कोई 10 या 15 बेस्ट शॉट निकाल के भेज दे, तो मेरे को सारी फोटो डाउनलोड करके उसमें 10 घंटे बैठ के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जाऊँगा कंप्यूटर में, लाइट रूम में 5-star सिलेक्ट करूंगा और जो जो फोटोज को मैंने 5-star रेटिंग दी थी अपने कैमरे में वो सारी आ जाएंगी। अब दोस्तों, कई बार गर्मी की वजह से हमारा कैमरा ओवरहीट कर जाता है और उसके ऊपर ये साइन आ जाता है और हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और फिर कैमरा ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगाता है। और ऐसे टाइम पे जब आप कभी कोई स्पेशल टाइप का शूट कर रहे हो तो आप बहुत सारा मोमेंट मिस भी कर सकते हैं इस चक्कर में। तो हमारे जितने भी नए कैमरे हैं, जैसे कि A6400 या उसके बाद जो मॉडल आए हैं, आई थिंक A73 में भी ऑप्शन है, उसमें एक ये ऑप्शन होता है ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर, और ये बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे होता है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी है और आपको बहुत लंबा शूट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको स्टैंडर्ड से हटा के हाई पे कर लीजिए, जिससे कि आपका कैमरा ओवरहीट नहीं होगा और आपको थोड़ा ज़्यादा शूट करने का टाइम मिलेगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारे कैमरे में 120p का ऑप्शन नहीं मिल रहा, सर हमारे कैमरे में 24p का ऑप्शन नहीं मिलता, और उसकी जिम्मेदार जो होती है वो ये सेटिंग होती है
NTSC पैल सिलेक्टर। अगर आपका कैमरा पैल पे सेट है तो आपको 120p का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको वो ऑप्शन चाहिए तो आप अंदर जाके उठा के उसको NTSC पे सिलेक्ट कर लीजिए और आपके पास 120, 24 और भी डिफरेंट टाइप के सेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जैसे ही इसको रीजन की सेटिंग को चेंज करेंगे कैमरा आपके SD कार्ड को पूरा फॉर्मेट मारेगा, तो मेक श्योर करिए कि आपके SD कार्ड में कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अगर है तो पहले उसका बैकअप लीजिए, उसके बाद ये सेटिंग चेंज करिए। दोस्तों हमारे कैमरा में एक प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। अब ये प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली अगर आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो एडिट करना चाहते हैं 4K में, लेकिन आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है तो आप प्रॉक्सी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये प्रॉक्सी 720p की सेटिंग की होती है और इसको आप यूज़ करके 4K वाली प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको जानना है कि कैसे करना है तो वो आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा प्रॉक्सी जो फाइल होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है और सोशल मीडिया के लिए एकदम अप्रोप्रिएट होती है। तो अगर आप कहीं ऐसा शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको तुरंत ही एक, आपने वैसे तो ओरिजिनल शूट 4K में करा है लेकिन आपको इसको तुरंत सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना है, तो प्रॉक्सी फाइल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अगली चीज़ दोस्तों, फॉर्मेटिंग SD कार्ड। मतलब मैंने ये कभी एक्सपीरियंस तो नहीं करा लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबर्स के मुंह से सुना है कि अगर आप अपना कैमरा के अंदर अपना SD कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो आप डेटा का भी रिट्रीव नहीं कर सकते। मतलब सोनी अल्फा जब किसी SD कार्ड को फॉर्मेट करता है तो वो परमानेंट फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ ट्रेस नहीं बचते। तो आप कोई भी रेस्क्यू सॉफ्टवेयर लगा लोगे ना तब भी आपको फोटोज 90% चांस है कि नहीं मिलेंगी वापस। तो अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है कि आपको डेटा रिट्रीव करना पड़ता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी कैमरा के अंदर कार्ड फॉर्मेट ना करें, कंप्यूटर पर लगा के फॉर्मेट करें। अगली ट्रिक है डबल टैप और स्क्रीन। अगर आप अपने कैमरे को मैनुअल फोकस में डालेंगे और स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो एक ये मैग्नीफिकेशन का डब्बा सा बन के आ जाएगा। इसके बाद आपको बस अपने कैमरे के व्हील में जो सेंटर सेट बटन होता है आप उसको दबाएंगे तो आपका कैमरा मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैनुअल फोकस करना बहुत आसान हो जाता है, आपको बस ठक ठक डबल टैप करना है और उसको दबाना और एकदम वो पूरा सीन बड़ा हो जाता है, फिर आप मैनुअली फोकस कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपको स्क्रीन को आगे पीछे शिफ्ट करना है, आपको फोकस पॉइंट चेंज करना है या ऊपर देखना है नीचे देखना है तो आप दो पे अगर हाथ से पिंच करके ऐसे करेंगे तो आप स्क्रीन को ड्रैग भी कर सकते हैं कहीं पे भी अपने हिसाब से। अगला जो अमेजिंग फीचर है और ये A6400 और आगे के सारे मॉडल्स में है वो है ऑटो वाइड बैलेंस लॉक। बेसिकली आपका कैमरा तो ऑटो वाइड बैलेंस पर रहेगा लेकिन आप इसको जब चाहे तब लॉक कर सकते हैं और ये तब तक लॉक रहेगा जब तक आप इसको अनलॉक ना करते। तो मतलब आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे सबसे अच्छे आपको वाइड बैलेंस मिल रहा है वहीं पे आप लॉक बटन दबा दीजिए और आपका ऑटो वाइड बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं होगा। इसको मैंने प्रॉपर सेट करने की एक वीडियो बनाई है कि इसको कैसे क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आके इसको देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक पता है जो मैंने यहाँ कवर नहीं करी तो प्लीज़ मेरे को बताओ यार, मैं भी वो यूज़ करूँगा और देखूंगा कि क्या फ़ायदा होता है उस ट्रिक का। आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए एंड लेट मी नो, एंड जल्दी अगली वीडियो लेके मिलता हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।